नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक। डेरा सिरसा मामले पर कोर्ट कमिश्नर द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट पेश नहीं की गई। रिपोर्ट के काफी विस्तृत होने की दलील देते हुए कोर्ट कमिश्नर ने अदालत से और समय मांगा, जिसके चलते अदालत ने उन्हें 8 नवंबर तक का समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। हालांकि कोर्ट कमिश्नर ने ये महत्वपूर्ण बात की है कि डेरे के सर्च ऑपरेशन में कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं मिला। आज फुल बेंच ने सारे केस की सुनवाई के बाद जो आदेश भारत सरकार को दिया है, उसमें कहा गया है कि जो कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे, अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने अंदर सारी सर्च की है सैनिटाइजेशन के बारे में, उसकी एक प्रति हरियाणा सरकार को, एक सीबीआई को और एक भारत सरकार को दी जाएगी। और भारत सरकार के दो विभाग, आयकर विभाग और एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो इस संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करके ये इस बात की जांच करेंगे कि क्या इन सारी फंड्स में, प्रॉपर्टीज़ में, संपत्तियों में कहीं कोई इनकम टैक्स एक्ट की वायलेशन तो नहीं है, कहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर तो कोई कार्रवाई नहीं बनती है। पूरी जांच करने के बाद कोई भी कार्रवाई अगर बनती होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, तो उस पर डिपार्टमेंट, दोनों एजेंसी जो हैं आगे कार्रवाई कर सकेंगी। मैंने ये पूछ लिया था कि अगर वो रिपोर्ट आती है तो क्या हम कोर्ट के अगले आदेशों तक जानकारी उसका इंतजार करें, तो कोर्ट ने कहा है कि जो ही रिपोर्ट सबमिट होगी तो रिपोर्ट के बाद आगे डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको